और गाइस अभी हम लोग पहुंचे पाइन फॉरेस्ट, जहाँ पे 90s की फिल्मों की शूटिंग होती थी पहले। तो जो 90s की फिल्में होती थी उनमें ये होता था। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के यहाँ पे क्या है। पाइन फॉरेस्ट और गाइस 90s की फिल्मों का जो पाइन फॉरेस्ट था वो कुछ अंदर से ऐसा दिखता है। काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये इसकी एंट्री है यहाँ से, ऐसे ऊपर जाके NH 181 है, तो नीचे इसकी एंट्री है ऐसे। और इसके पीछे फिर वो जो पानी दिख रहा है वो लेक है, हम लोग वहाँ पे जाएंगे भी। और माजू को लगता है यहाँ पे मॉन्की दिख रहे, इसलिए वो इतना खुश हो रहा है। ओह ये क्या है भाई, कोहिनूर का हीरा मिल गया। गुड गुड गुड, कीप मूविंग। हाँ हाँ अच्छा अच्छा है। टूरिस्ट की भरमार है यहाँ पे। और अब तो कोई शूटिंग दिख नहीं रही मुझे यहाँ पे, 90s की फिल्में में होता था वैसा पाइन फॉरेस्ट में। हाँ बंदर जरूर है यहाँ पे काफ़ी सारे। तो यहाँ से ये कुछ ऐसा दिखता है अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। हाँ यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। इसमें क्या है कि बड़े बड़े ट्रीज है लंबे लंबे, और इन ट्रीज़ के पीछे एक बड़ा सा लेक है ये इस तरीके से 360 डिग्री। बाकी यहाँ पे टूरिस्ट तो बहुत है यहाँ पे। अब एक बार लेक पे चल के देखते हैं क्या सीन है। और ये शूटिंग पॉइंट के इंटीरियर का सीन है जहाँ पे लेक बनी हुई है। घोड़े वोड़े भी खड़े हैं यहाँ पे देखने के लिए, सवारी करने के लिए। तो टूरिस्ट आते हैं, इन पर सवारी करते हैं। और ये इस पॉइंट के चारों तरफ लेक है। और इसका जो टाइमिंग है नो इट्स ओके। चार्जेस क्या है? 150 घोड़े की राइडिंग के लिए। और उसमें कितने टाइम के लिए आप घुमाओगे? हाँ हाँ देख रहा हूँ मैं। कितना कितना पैसा लगता है उसमें? 150। और टाइम कितना लगेगा? 10 मिनट्स के लिए। ठीक है बताते हैं आपको, थैंक यू। तो भाई यहाँ पे आके घोड़े की राइड भी कर सकते हैं, एक ये भी यहाँ पे ऑप्शन है। और बाकी यहाँ पे लेके यहाँ पे कुछ लोग आके बैठते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, वो सब चीज़ें होती है। तो यही है वो हॉट पॉइंट 90s की फिल्मों का, जहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका इन पेड़ों के पीछे या फिर इनमें होके शूटिंग करते थे, शूटिंग होती थी इनमें, जो लव्स के गाने होते थे। और काफ़ी हॉट पॉइंट है ये ऊटी में, काफ़ी फेमस है। पाइन फॉरेस्ट है ना ये? हाँ मुझे पता है, पाइन फॉरेस्ट शूटिंग पॉइंट भी बोलते हैं उसको। हैं शूटिंग पॉइंट भी बोलते हैं ना? हाँ हाँ पता है। तो ये लेक है यहाँ पे देखने के लिए, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और काफ़ी सारे लोग हैं, टूरिस्ट काफ़ी है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आते हैं हम लोग ऊटी में तो ये एक्सप्लोर करना तो बनता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइन फॉरेस्ट शूटिंग पॉइंट। और इसका 360 डिग्री व्यू कुछ ऐसा है। चैनल कौन सा है? ट्रैवलिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड दिस इज ऑल अबाउट शूटिंग पॉइंट और पाइन वैली पॉइंट इन ऊटी।